नमस्कार, NCERT गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 10 साइंस चैप्टर 4 पार्ट 6। आज हम पढ़ेंगे सोप्स और डिटर्जेंट्स के बारे में और ये आखिरी वीडियो है इस चैप्टर का। अगर आपको बाकी की वीडियोस देखनी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। टेक अबाउट 10 ml वाटर ईच इन 2 टेस्ट ट्यूब्स। हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं और उसमें 10 ml वाटर लेना है। एड अ ड्रॉप ऑफ कुकिंग ऑयल टू बोथ द टेस्ट ट्यूब्स एंड लेबल देम एज ए एंड बी। हमें इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स में एक एक ड्रॉप ऑयल डालना है, कुकिंग ऑयल जिसका हम खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स को हमें लेबल कर देना है, एक को ए और दूसरे को बी। टू टेस्ट ट्यूब बी एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोप सॉल्यूशन। इस टेस्ट ट्यूब बी में हम कुछ ड्रॉप सोप सॉल्यूशन के डालेंगे। नाउ शेक बोथ द टेस्ट ट्यूब्स विगरसली फॉर सेम पीरियड ऑफ टाइम। और इसके बाद हम इन दोनों टेस्ट ट्यूब्स को शेक करेंगे बराबर समय तक। कैन यू सी द ऑयल एंड वाटर लेयर्स सेपरेटली इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स इमीडिएटली आफ्टर यू स्टॉप शेकिंग देम। तो जैसे ही आप इनको शेक करना बंद करेंगे, अचानक से आपको ऑयल और वाटर का लेयर अलग अलग नहीं दिखेगा, ये आपको थोड़ी देर बाद दिखेगा। लीव द टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। और ऐसे टेस्ट ट्यूब को थोड़ी देर तक हमें छोड़ देना है शेक करने के बाद। एंड ऑब्जर्व डज द ऑयल लेयर सेपरेट आउट, इन विच टेस्ट ट्यूब डज इट हैपन फर्स्ट। और कुछ देर छोड़ने के बाद आप पाएंगे कि जिसमें सोप सॉल्यूशन नहीं मिला हुआ था उसमें ऑयल और वाटर लेयर पहले सेपरेट हुआ, और जिसमें सोप सॉल्यूशन मिला उसमें आपको ऑयल के कारण टेस्ट ट्यूब बी में सोप सॉल्यूशन वाटर में अच्छे से मिल नहीं पाएगा। अब आगे, दिस एक्टिविटी डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ सोप इन क्लीनिंग। सोप का क्या इफेक्ट है क्लीनिंग में, ये एक्टिविटी ये दिखाती है। मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर एंड एज यू नो ऑयल डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। ज्यादातर जो गंदगी होती है वो ऑयली होती है और हम जानते हैं कि ऑयल वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सोप्स के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होते हैं एक लंबे कार्बोक्सिलिक चेन के। द आयोनिक एंड्स ऑफ सोप डिजॉल्व इन वाटर वाइल द कार्बन चेन डिजॉल्व इन ऑयल। सोप का जो आयोनिक एंड है वो वाटर में डिजॉल्व होता है और जो कार्बन चेन है वो ऑयल में डिजॉल्व होता है। अब ये आयोनिक एंड कहाँ है और कार्बन चेन कहाँ है ये आपको यहाँ से पता चलेगा। ये देखिए, हमने देखा कि सोप सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है एक लंबे कार्बोक्सिलिक एसिड के चेन का, तो ये आयोनिक पार्ट ऊपर की तरफ लगा होता है कुछ इस तरह। ये एक पूरा का पूरा सोप मॉलिक्यूल है जिसे हम मिसेल भी कहते हैं, जो झाग बनता है हमारा। अभी ये जो आयोनिक पार्ट है ये हमारा वाटर में डिजॉल्व होता है, और ये जो कार्बन चेन है जो जिग जैग टाइप का दिख रहा है आपको, ये ऑयल में डिजॉल्व होता है। और जब हम कपड़े को जर्क करते हैं, झटका देते हैं या फिर पानी से धोते हैं अच्छे से, तो ये कपड़े पर लगे हुए डर्ट को जिसमें ऑयल था साथ लेके बाहर निकल जाता है, जिससे हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। द सोप मॉलिक्यूल दस फॉर्म स्ट्रक्चर्स कॉल्ड मिसेल्स। और ऊपर हमने मिसेल का स्ट्रक्चर देखा, तो इसीलिए सोप मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है। फिगर 4.12 हम देख चुके हैं, वेयर वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज टुवर्ड्स द ऑयल ड्रॉप वाइल द आयोनिक एंड फेसेस आउटसाइड। आयोनिक एंड बाहर की तरफ फेस कर रहा था और जो कार्बन चेन था वो ऑयल ड्रॉप की तरफ या फिर डर्ट की तरफ फेस करके रखे हुआ था। दिस फॉर्म्स एन इमल्सन इन वाटर। इमल्सन में ऐसे दो लिक्विड्स होते हैं जो एक दूसरे में सॉल्युबल नहीं होते, और एक लिक्विड के कुछ ड्रॉपलेट्स आपको दूसरे लिक्विड के ऊपर मिलते हैं, तो जब ऑयल वाटर में रहेगा तो वो एक इमल्सन फॉर्म करेगा। द सोप मिसेल दस हेल्प्स इन डिजॉल्विंग द डर्ट इन वाटर एंड वी कैन वॉश आवर क्लोथ्स क्लीन। सोप के जो मिसेल्स होते हैं वो ऑयल पार्टिकल को कपड़े के सरफेस से पकड़ के वाटर सरफेस पे लाते हैं और इमल्सन बनाते हैं जिससे हम आसानी से अपने कपड़े को साफ कर सकते हैं। कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मिसेल दैट वुड बी फॉर्म्ड इफ यू डिजॉल्व सोप इन हाइड्रोकार्बन। तो सोप को अगर आप हाइड्रोकार्बन में डिजॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह का इमल्सन बनेगा। अभी हम पढ़ने वाले हैं मिसेल्स के बारे में। सोप्स आर मॉलिक्यूल्स इन विच टू एंड्स हैव डिफरिंग प्रॉपर्टीज। सोप एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें उसके दोनों एंड की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। वन इज हाइड्रोफिलिक, दैट इज इट डिजॉल्व्स इन वाटर। एक एंड जो है सोप का वो हाइड्रोफिलिक होता है और वो वाटर में डिजॉल्व करता है, वाइल द अदर एंड इज हाइड्रोफोबिक, दैट इज इट डिजॉल्व्स इन हाइड्रोकार्बन। और दूसरा एंड जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, वो वाटर में डिजॉल्व नहीं करता बल्कि वो हाइड्रोकार्बन में डिजॉल्व करता है। When soap is at the surface of water, the hydrophobic tail of soap will not be soluble in water and the soap will align along the surface of water with the ionic end in the water and the hydrocarbon tail protruding out of water.
जब कभी सोप वाटर सरफेस पे होता है तो जो उसके हाइड्रोफोबिक एंड हैं वो वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं और वो कुछ इस तरह अलाइंड होते हैं कि वो वाटर से बाहर की तरफ जा सकें। इनसाइड वाटर दीज मॉलिक्यूल्स हैव अ यूनिक ओरिएंटेशन दैट कीप्स द हाइड्रोकार्बन पोर्शन आउट ऑफ द वाटर, और ये कुछ इस ओरिएंटेशन में रहते हैं कि जो हाइड्रोफोबिक एंड है इनका, जो हाइड्रोकार्बन से अटैच करता है, वो वाटर से बाहर की तरफ जाता है। दैट इज अचीव्ड बाय फॉर्मिंग क्लस्टर्स ऑफ मॉलिक्यूल इन विच द हाइड्रोफोबिक टेल्स आर इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर एंड द आयनिक टेल्स आर ऑन द सर्फेस ऑफ द क्लस्टर। और ये काम कुछ इस तरह से होता है कि आयनिक टेल्स बाहर से चारों तरफ से आ जाती हैं और जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो अंदर तरफ आ जाता है, कुछ इस फिगर की तरह। जो आयनिक पार्ट्स हैं वो बाहर बाहर से हैं और हाइड्रोफोबिक टेल ये अंदर अंदर से। दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड मिसेल, और इसी तरह के स्ट्रक्चर को हम मिसेल कहते हैं। सोप इन द फॉर्म ऑफ अ मिसेल इज एबल टू क्लीन सिंस द ऑयली डर्ट विल बी कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ द मिसेल। सोप अगर इस फॉर्म में रहता है तो वो क्लीन करने की क्षमता रखता है हमारे क्लोथ्स को, क्योंकि जो डर्ट है हमारा, जो डर्टी चीजें हैं, वो इस जगह पे, इस खाली जगह पे इकट्ठी हो जाती हैं और उसके बाद हम इन्हें जर्क करके बाहर निकाल सकते हैं अपने कपड़ों से। मिसेल्स स्टे इन द सॉल्यूशन एज अ कोलॉइड एंड विल नॉट कम टुगेदर टू पार्टिसिपेट बिकॉज ऑफ आयन आयन रिपल्सन। और चूंकि मिसेल के चारों तरफ Na+ आयन है, ये दूसरे मिसेल के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा या फिर कोई दूसरा छेड़छाड़ नहीं करेगा, क्योंकि हर मॉलिक्यूल में आयन आयन रिपल्सन रहता है, इसीलिए ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। दस द डर्ट सस्पेंडेड इन द मिसेल इज ऑल्सो इजिली रिंस्ड अवे। द सोप मिसेल आर लार्ज एनफ टू स्कैटर लाइट, hence the soap solution appears cloudy। अभी चूंकि इन molecules के बीच में repulsion होता है, इसीलिए जब हम इन्हें jerk करते हैं या फिर rub करते हैं तो ये बाहर निकल जाते हैं बड़ी आसानी से, और हमारे कपड़े की गंदगी जो यहाँ पे इकट्ठी थी वो भी साथ में बाहर चली जाती है। soap solution इतने बड़े होते हैं कि वो अपने थ्रू लाइट को scatter करा सके, इसलिए जो solution है वो partly cloudy, थोड़ा cloudy appear होता है। तो ये पूरा इफेक्ट था कि किस तरह सोप काम करता है साफ करने में। आगे है एक्टिविटी 4.11। टेक अबाउट 10 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर और रेन वाटर एंड 10 ml ऑफ हार्ड वाटर फ्रॉम अ ट्यूब वेल और हैंड पंप इन अ सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स। हमें 10 ml डिस्टिल्ड वाटर और 10 ml हार्ड वाटर लेना है दो अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में। एड अ कपल ऑफ ड्रॉप्स ऑफ सोप सोल्यूशन टू बोथ। इन दोनों टेस्ट ट्यूब में हम कुछ सोप सोल्यूशन के ड्रॉप डालेंगे। सेक द टेस्ट ट्यूब विगरसली फॉर एन इक्वल पीरियड ऑफ टाइम एंड ऑब्जर्व द अमाउंट ऑफ फोम फॉर्म्ड। और दोनों टेस्ट ट्यूब में सोप सोल्यूशन डालने के बाद उसे हम शेक करेंगे और टेस्ट करेंगे कि किस में ज्यादा फोम बना। इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू गेट मोर फोम। तो वैसा टेस्ट ट्यूब जो डिस्टिल्ड वाटर कंटेन करता था उसमें आपको ज्यादा फोम देखने को मिलेगा। इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व व्हाइट कर्डी प्रेसिपिटेट। वैसा टेस्ट ट्यूब जो हार्ड वाटर कंटेन करता था, जिसे हमने ट्यूबवेल या फिर हैंडपंप से लिया था, तो उसमें आपको कर्डी प्रेसिपिटेट मिलेगा। सो नॉर्मल या फिर डिस्टिल्ड वाटर में आपको प्रॉपर अमाउंट ऑफ फोम मिलेगा और हार्ड वाटर में आपको कर्डी प्रेसिपिटेट मिलेगा, फोम अच्छे से नहीं मिलेगा। एक्टिविटी 4.12। टेक टू टेस्ट ट्यूब्स विथ अबाउट 10 ml ऑफ हार्ड वाटर इन ईच। हमें दो टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं और दोनों में इस बार हार्ड वाटर लेना है। एड 5 ड्रॉप्स ऑफ सोप सॉल्यूशन टू वन एंड 5 ड्रॉप्स ऑफ डिटर्जेंट सॉल्यूशन टू द अदर। हमें एक टेस्ट ट्यूब में सोप सॉल्यूशन डालना है, दूसरे टेस्ट ट्यूब में डिटर्जेंट सॉल्यूशन डालना है। शेक बोथ द टेस्ट ट्यूब फॉर द सेम पीरियड, और दोनों को समान समय तक शेक करेंगे। डू दीज टेस्ट ट्यूब्स हैव द सेम अमाउंट ऑफ फोम। क्या दोनों टेस्ट ट्यूब में सेम अमाउंट ऑफ फोम है? तो आपको दोनों टेस्ट ट्यूब में सेम अमाउंट ऑफ फोम नहीं मिलेगा। कारण यह है कि जो सोप सॉल्यूशन है वो हार्ड वाटर में अच्छे से फोम नहीं फॉर्म कर सकेगा। इन विच टेस्ट ट्यूब इज अ कर्डी सॉलिड फॉर्म्ड। तो वो टेस्ट ट्यूब जिसमें आपने सोप सॉल्यूशन डाला है उसमें आपको कर्डी सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड व्हाइल बाथिंग दैट फोम इज फॉर्म्ड विद डिफिकल्टी एंड एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस स्कम रिमेंस आफ्टर वॉशिंग विद वाटर। क्या आपने नहाते समय कभी गौर किया है कि जब हम साबुन लगाते हैं और उसे धोने के बाद भी कुछ बचा रह जाता है, अच्छे से धुल नहीं पाता है, तो उस चीज को हम स्कम कहते हैं। दिस इज कॉज्ड बाय रिएक्शन ऑफ सोप विथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट विच कॉज द हार्डनेस ऑफ वाटर। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे शरीर पे ऑयल के कुछ ट्रेसेस रहते हैं और सोप जब रिएक्ट करता है उनसे वाटर के प्रेजेंस में तो वो अच्छे से फॉर्म नहीं दे पाता, उसे धोने के बाद भी स्कम बचा रह जाता है। हेंस यू नीड टू यूज लार्ज अमाउंट ऑफ सोप। दिस प्रॉब्लम इज ओवरकम बाई यूजिंग अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड कॉल्ड डिटर्जेंट्स एज क्लीनिंग एजेंट्स। और इस समस्या को दूर किया गया है डिटर्जेंट का इस्तेमाल करके, कि अगर ऑयल वाला सब्सटेंस हमें साफ करना है तो हम डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डिटर्जेंट हार्ड वाटर में आराम से फोम दे पाता है। अब ये बात और है कि डिटर्जेंट हम अपने शरीर पे लगाते नहीं है, क्योंकि वो हार्ड होता है, वो हमारे स्किन को खराब कर सकता है। डिटर्जेंट्स आर जनरली अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सोप के बारे में हमने जाना कि वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है, और जो डिटर्जेंट है वो हमारा अमोनियम या फिर सल्फोनेट सॉल्ट होता है लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक
ऑक्सैलिक एसिड का. द चार्ज्ड एंड ऑफ दीज कंपाउंड्स डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस इन हार्ड वाटर. और इसके जो चार्ज्ड एंड्स हैं जो अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स के, वो हार्ड वाटर में प्रेजेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम से रिएक्ट करके इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट नहीं बनाते हैं जिस तरह साबुन बना रहा था. डिटर्जेंट्स उस तरह के इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स नहीं बनाते. Thus they remain effective in hard water. इसीलिए ये hard water में भी काम करते हैं. Detergents are usually used to make shampoos and products for cleaning clothes. Detergent को आमतौर पर shampoo बनाने के लिए या फिर detergent बनाने के लिए, जिसे कपड़े साफ करते हैं वो बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. तो यहाँ ख़त्म होता है हमारा ये chapter. इसके बाद पढ़ेंगे हम periodic classification of element जो है chapter 5. This is Divyam Singh signing off. See you in the next one.